नया हफ्ता, नया दिन, नई खबरें लेकर हाजिर हूं आपके शो में। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज बड़ी शानदार खबरें हैं। चंद घंटे बाद 5 राज्यों में चुनाव का आगाज हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले महादेव बैटिंग ऐप पर सियासत बढ़ गई है। 508 करोड़ रुपए के मामले में नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। बघेल पर आरोपों की झड़ी लग रही है। क्या चुनाव पर इसका कोई असर होगा? कॉलिंग कार्ड में फुल चर्चा करनी है। इस पे चर्चा तो उन नेताओं की भी है जिन्होंने टिकट की उम्मीद लगाई थी लेकिन नहीं मिला। अब राजस्थान में बागी खड़े हो गए हैं, गाजे बाजे के साथ मैदान में उतर गए हैं। क्या बागियों की वजह से बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है? सिग्नेचर स्टोरी में ये जानेंगे आज। दिल्ली वाले 5 दिन से जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, ये हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। रेड अलर्ट है। अब भी सरकार फिर से ऑड इवन का शिगुफा लेकर आई है और सख्ती भी बढ़ा दी है, लेकिन क्या वाकई इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा? कई गुंडे बदमाश ऐसे हैं जो जमानत पर छूट जाते हैं और फिर कानून को चकमा देकर विदेश भाग जाते हैं, वहीं से गैंग चलाते हैं, टारगेट किलिंग करवाते हैं, अटैक करवाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक के गंभीर मामलों में जमानत पर बाहर आए आरोपियों के पैरों में सरकारी पायल डालनी शुरू कर दी है, यानी GPS एंकलेट। ये क्या है? जेल सिस्टम को इसकी कितनी जरूरत थी? आज एक्सक्लूसिव इसी पर है। ABP News आपको रखे आगे।